नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना वायरस के मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने वाले एक आरोपी को नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के पास से 105 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी के द्वारा पंजाब से इंजेक्शन अवैध तरीके से उपलब्ध कर नोएडा में 40,000 से 50,000 में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना पर क्राइम ब्रांच और प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे भारत में कोरोना वायरस ने जहां अपना आतंक मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेने के लिए इन दिनों मारामारी के हालात हो गए हैं। लोग एक एक इंजेक्शन के लिए एक के बाद एक मेडिकल स्टोर या फिर अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन इस महामारी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं और छोटे से मुनाफे के खातिर इतने लालची हो जाते हैं कि कुछ रुपए में मिलने वाले इस इंजेक्शन को 40,000 से 50,000 में बेच रहे हैं, जिसके चलते नोएडा में क्राइम ब्रांच और सेक्टर 20 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। रचित नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इन इंजेक्शन को अवैध तरीके से बेच रहा था। एक इंजेक्शन 20,000 से 40,000 रुपए तक में ये बेच रहा था और अब तक कई इंजेक्शन ये बेच चुका है। पंजाब से अवैध तरीके से इसने इंजेक्शन हासिल किए। आरोपी रचित भाई की गत्ते की फैक्ट्री है और नोएडा में रहता है और कई दिनों से अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। माननीय आयुक्त महोदय तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर पुलिस को कोविड-19 से संबंधित दवाइयों के कालाबाजारी में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 20 अप्रैल 2021 को रचित घई नाम के एक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच थाना सेक्टर 20 की टीम और औषधि निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और मार्च 2021 से यह नोएडा में निवास कर रहा था और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। यह दिल्ली तथा अन्य जगहों से जो है दवाइयां ला रहा था और मुख्यतः जो है यह चंडीगढ़ से दवाइयों के इसके द्वारा लाया जाना प्रकाश में आया है और दवाइयों के स्रोत के विषय में जानकारी की जा रही है। इस व्यक्ति से 105 वायल्स रेमडेसिविर के इंजेक्शन, कुछ कैश व व्हीकल बरामद हुआ है और उक्त प्रकरण में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और IPC की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।